अगर आप भी इसी तरह के व्हाट्सएप स्टेटस बनाना चाहता है अपनी फोटो के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के फोटो के साथ या किसी भी फोटो के साथ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में आना है। उसके बाद प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा। अब मीडिया पर जाकर जिस भी फोटो का वीडियो बनाना चाहते हैं उस फोटो को सेलेक्ट करके लेकर आ जाइए। सारे फोटो आ जाने के बाद आप आगे में जाइए, फिर सारे फोटो को आप इसमें सेलेक्ट कीजिए, फिर बीच वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, फिर उसको आप अपने हिसाब से सेट कर दीजिएगा। आप जो भी छोटा बड़ा थोड़ा करना है ऐसे कर दीजिएगा, आप अपने हिसाब से हर फोटो को आपको करना रहेगा। जैसे मैं कर लेता हूँ जल्दी से जल्दी, इसको फिर इक्वल कर दीजिए, ओके कीजिए, फिर यहाँ पर जाइए, फिर इसमें बीच वाले ऑप्शन में जाइए, फिर इसको वापस थोड़ा इसको भी सेट कर दीजिए। आप अपने हिसाब से कर दीजिए, आपका फ़ोटो कैसा रहेगा उसके हिसाब से ही इक्वल कीजिए। आगे जाइए, फिर इसको भी सेट कर दीजिए, ये पहले से सेट ही लग रहा है। फिर वापस इसमें जाइए, बीच वाले में जाइए, फिर इसको थोड़ा आगे ऐसे कर दीजिए, ठीक है, इक्वल कर दीजिए, ओके कीजिए। ऐसे सारे फोटो को कर लेना आपको। ठीक है, उसके बाद सारे फोटो को सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ नीचे में जाइए, यहाँ पे विग्नेटी इसको ऑन कर दीजिए, ओके कीजिए, इसको भी सेलेक्ट कीजिए, नीचे में जाइए, इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। ये सारे में इसको ऑन कर देना है विग्नेटी को, ठीक है, ऑन कर दीजिए, ठीक है। वो हो जाने के बाद आप आगे में आइए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए फोटो को, फिर यहाँ पे क्लिक ग्राफिक में जाइए। उसके बाद आपको ये इन एमिनेशन में जाना है। अगर ये आपके पास ये वाला ग्राफिक नहीं है तो आप यहाँ पे गेट मोड पे जाइएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप इस पे जाइए इन एमिनेशन पे, फिर आपको जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जैसे ये अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ एक, फिर इसमें भी जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। फिर वापस क्लिक ग्राफिक में जाइए, इन एमिनेशन में जाइए, यहाँ पे चार्ट नंबर सेलेक्ट करके ओके कीजिए। ठीक है, ओके कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ब्रश ड्राइंग का जो इफेक्ट है ये वाला इफेक्ट में जाना है। अगर ये वाला इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा तो आप ये गेट मोड में जाके इस इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आप स्टेप बाय स्टेप जैसा आपको लगे आप इफेक्ट को लगा दीजिए। जैसे मैं लगा देता हूँ, इसमें पहला वाला लगा देता हूँ, ओके कीजिए, प्लस कीजिए, फिर यहाँ पर ब्रश ड्राइंग में वापस जाइए, फिर दूसरा वाला लगा दीजिए, ठीक है। फिर ये नीचे जाइए, ब्रश ड्राइंग में लगा दीजिए, जो आपको लगता है वैसा सेलेक्ट करके लगा दीजिएगा, जो आपको इफेक्ट पसंद है वैसा, ठीक है। मैं अपने हिसाब से लगा दे रहा हूँ, ओके कीजिए। सारे इफेक्ट लग जाने के बाद आप इसको एक बार प्ले करके देख लीजिए, देखिए हो गया आपका ये वाला वीडियो ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। जब आपका ये वाला वीडियो ऐसा बन के रेडी हो जाएगा तो आप यहाँ पर सेव वाले बटन पे अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से ये वाला एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये पहला प्रोजेक्ट है। ये होने के बाद हम लोग नया प्रोजेक्ट चालू करेंगे, ठीक है। नए प्रोजेक्ट के लिए आपको वापस से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यही वाला सेलेक्ट कर लेना है 9:16 एस्पेक्ट रेशियो को, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद आपको वापस मीडिया पर जाना है और जिस वीडियो को अभी आपने एक्सपोर्ट किया है उसी को लेकर के आना है। मैं लेकर के आता हूँ, देखिए ये वाला वीडियो आ गया है। ये वीडियो आ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे जाना है, फिर डुप्लीकेट एज लेयर कर देना है। ये आ जाने के बाद इसको ओके कर दीजिए, सॉरी इसको सेलेक्ट कीजिए वापस से, और इसको थोड़ा छोटा करके हल्का सा यहाँ पे ला दीजिए। आप अपने हिसाब से ला दीजिएगा, आपको जैसे सेट होना है सेट करना है, मैं जल्दी से जल्दी बता रहा हूँ आपको। ये वाला यहाँ पर ला दीजिए, फिर इसको ओके कीजिए। उसके बाद आपको वापस लेयर पर जाना है, मीडिया पर जाना है, फिर वहाँ से आपको फ़ोन का फ्रेम लेकर के आना है। उसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला फ़ोन का फ्रेम लेने के आने के बाद पहले आप इसको यहाँ थोड़ा बड़ा करके यहाँ नीचे ब्लेंडिंग में जाइए और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा।
ओके कर दीजिए। फिर इसको आप यहाँ पे इसके हिसाब से बैठा दीजिए, थोड़ा जूम कर दीजिए, फिर इसके हिसाब से इसको बैठा दीजिएगा। मैं जल्दी से बैठा देता हूँ, पहले देखिए बैठा देता हूँ, अभी अच्छा लगेगा। तो देखिए बैठ गया। जब ये फ़ोन का फ्रेम बैठ जाएगा तो आपको इसको थोड़ा बड़ा कर देना है, वीडियो की लेंथ के हिसाब से इतना बड़ा कर दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। उसके बाद आप वापस से लेयर पर जाइए, यहाँ पे लेयर पर जाइए, मीडिया पर जाइए, फिर वहाँ से आपको और एक ब्लैक स्क्रीन है उसको लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं लेकर के आता हूँ। ये आ जाने के बाद आप यहाँ पे नीचे में जाइए, ब्लेंडिंग में जाइए, फिर इसको स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। इसको फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा, आपको जैसे सेटिंग करना है वैसे कर दीजिएगा, उतना करके इसको ओके कर दीजिए। फिर वापस यहाँ पर लेयर पर जाइए, मीडिया पर जाइए, फिर वहाँ से आपको लिरिक वाला वीडियो लेकर के आना है। उसका लिंक भी मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए लिरिक वाला वीडियो आने के बाद आप इसको थोड़ा यहाँ आगे बढ़ाइए ताकि आपको लिरिक थोड़ा दिखे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए, आप अपने हिसाब से बड़ा कर दीजिएगा, मैं कर लेता हूँ वैसे जैसे सूट करे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसको ब्लेंडिंग में जाइए और इसको भी स्क्रीन कर दीजिए, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या करना है, जो सबसे पहला वाला वीडियो है, जो सबसे ऊपर वाला है, उसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाइए, फिर यहाँ पे आप सेचुरेशन में जाइए और इसको पूरा माइनस कर दीजिए, ठीक है। ओके कर दीजिए। देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो गया है। अभी मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। रुकिए मैं पहले वॉल्यूम कम कर देता हूँ इसका। देखिए ये वाला वीडियो बनके अभी रेडी हो चुका है। ये पूरा वीडियो बनने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसे वाले बटन पे जाके अपने वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, जिससे कि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।